गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने पैराबोलिक मोशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर लीविंग द सर्किल पढ़ा था। उसके बाद में अपने पॉइंट वाइज डिस्कस किया था। तो पहला अपना पॉइंट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोलिक पाथ। ये तो सर्कल है और ये पार्टिकल का तो पैराबोलिक पाथ है। यहां पर आर क्या है? जीरो है। ये जो केस था उसमें जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 2ag इज लेस देन u स्क्वायर इज लेस देन 5ag, ये केस अपने लिया था। उसके बाद में बिंदु p पे पार्टिकल इस सर्कल को छोड़ देगा, इट मीन r क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन पार्टिकल में वेलोसिटी v है तो उस वेलोसिटी v की वजह से पार्टिकल क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। और उसके बाद में पार्टिकल का जो पाथ होगा, मोशन ऑफ पाथ होगा, वो पैराबोलिक होगा। वो तो पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन होगी y = x tan alpha - x square upon 2a cos cube alpha होगी। और उसके बाद में p को अपन यहां मूल बिंदु मानते हैं, px को x एक्सिस और py को y एक्सिस मान के o के जो अपने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो ये निकाले थे, तो a sin alpha minus a cos alpha। तो देयरफॉर ओ केंद्र वाले और ए त्रिज्या वाले जो वर्त का समीकरण है वो y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2a cos अल्फा। ये रिलेशन अपन ने, इक्वेशन अपन ने कल लिख ली थी। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, ये जो सर्किल और ये जो पैराबोलिक पाथ है उसके जो p और d जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके अपन कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं। तो सोल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो अपन को ये प्राप्त होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 2a कोस क्यूब अल्फा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a कोस अल्फा। 2a इज 2a कैंसिल आउट, कोस अल्फा की एक बार कैंसिल हो जाएगी। दिस इज एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस इज दिस कैन रिटन एज एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस कैन रिटन एज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, टेकिंग वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। The putting the value of y equal to x tan alpha in equation 2, we have this is x tan alpha equals to x tan alpha minus x square plus y square upon 2a cos alpha. This is cancel out. This is x square plus y square equal to 0. It is possible when x equal to 0 and y equal to 0. इट मीन्स ये जो पॉइंट पी है जिसको अपने मूल बिंदु माना, इसे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? जीरो जीरो हो गए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज जीरो जीरो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। नाउ वी आर पुटिंग वाई इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा इन इक्वेशन टू। Again, putting y equal to minus x tan alpha in equation 2. अपन यहाँ पे y equal to बाद में 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। There is no difference. ये सब चीज़ वैसे ही रहा। y equal to अगर हम 2 में रखा था, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Result same आएंगे। y equal to minus x tan alpha in that case,
तो देयरफॉर दिस इज माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल्स टू दिस इज एक्स टेन अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू ए कोस अल्फा. दिस कैन बी रिटन एज दिस इज माइनस टू एक्स टेन अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉमन देर इज वन प्लस टेन स्क्वायर विच इज से स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए कोस क्यूब अल्फा. X is also cancel out, negative is negative cancel out. Therefore, we have after simplification, we have X equals to this is 4A. 10 alpha cos 2 alpha which can be written as 4a sin alpha cos square alpha. This is x. If you are putting the value of x in this relation, therefore we have y equal to minus 4a cos alpha sin square alpha. Therefore, the coordinates of D are x coordinate is 4a sin alpha cos square alpha and y coordinate is minus 4a cos alpha sin square alpha. These are the coordinates of D. Now, we discuss about the second point. We have to prove that second part is now we have to prove that arc BD equals to 3 times of arc BP. इसके लिए अपन हम एंगल मानते हैं कि लेट एंगल BOD equals to suppose it is phi. तो therefore tan pi minus phi equals to अपन डी से इसकी जो वर्टिकल डायमीटर है उसपे डी से परपेंडिकुलर खींचते हैं खींचते हैं और मान लीजिए लंब का जो पाद है वो क्या है एन है. तो देयरफॉर द ट्राइंगल ओ एंड डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर वी कैन अप्लाई द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ऑन दिस ट्राइंगल टेन पाई माइनस सी दिस इज डी एन अपॉन ओ एन. टेन पाई माइनस साई इज माइनस टेन फाइव इक्वल्स टू डी एन bn bn dk d का जो x कोऑर्डिनेट है और नहीं सॉरी d का जो y कोऑर्डिनेट है n का y कोऑर्डिनेट क्या है सेम है. इट मींस क्योंकि bn इज पैरेलल टू दिस एक्सिस देयरफॉर इनपे जितनी y कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेम होंगे. तो देयरफॉर bn इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स. d का x कोऑर्डिनेट ये है और n का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो n का एक्स कोऑर्डिनेट वही है जो o का एक्स कोऑर्डिनेट है. n का एक्स कोऑर्डिनेट ये sin alpha. Therefore dn can be written as 4a cos square alpha sin alpha minus a sin alpha upon sorry first of all we write this thing. This is minus, it is all right. This equals to, this is dn upon on, on. On, इनका जो x coordinate है वो same है, y coordinate differences का, y coordinate में difference हो जाएगा, वो ही क्या हो जाएगी, on की distance हो जाएगी, which is 4a cos alpha sin square alpha minus a cos alpha. After simplifying, we have here a sin alpha. A sin alpha is common ले लेंगे. So this is a sin alpha. This is 4 cos square alpha minus